वेलकम बैक न्यू वीडियो का साथ फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाला है, अगर आप लोग सीएससी से एक्सिस बैंक बीसी ले चुका है तो आपको जो है एक्सिस बैंक बीसी अगर आप लोग ओपन करने जाते हैं तो वहां पर जो है आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि आप अगर आप लोग वहां पर प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है, आपका जो एजेंट आईडी डालने के बाद जो है आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन है, अगर आप लोग उसमें क्लिक कर देते तो वहां पर क्लिक नहीं होता है। और उसका बाद जो है फ्रेंड्स, अगर आपका यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक हो जाता है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोग अगर वहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के जो जब बायोमेट्रिक कैप्चर करने जाते हैं, वहाँ पर जो है आपका जो डिवाइस का नॉट कनेक्ट प्रॉब्लम दिख रहा है कि नॉट कनेक्ट है और जो वहाँ पर समथिंग इज रॉन्ग ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को इन तक देख लेना है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो को इन तक देख लेते तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। साथ में फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पर अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो को इन तक देख लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग इन तक नहीं देखते तो आपको क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है और आपका जो लॉगिंग आपका ऐसे रह जाता है, लॉगिंग नहीं होता है। तो इस रीजन से जो है फ्रेंड्स आपको वीडियो को इन तक देख लेना है और वीडियो इन तक देखने के बाद आपको जो है फुल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है वीडियो को रिवाइज करके आपको फिर से यहाँ पर अटक अटक के देख के जो है आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको किस तरह से यहाँ पर फुल जो है मंत्रा हो या मार्फ हो, कोई भी अगर आपका पास डिवाइस है उसको किस तरह से आपको जो है यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करना है, फुल जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और साथ में जो है फ्रेंड्स इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ सका तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स हम सबसे पहले चलेंगे लैपटॉप का स्क्रीन पर और वहां पर जाके जो है आपको देखा देंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपका भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है इलियास और आप देख रहे हैं इलियास कंपनी। तो चलिए फ्रेंड्स लैपटॉप का स्क्रीन पर और यहाँ पर जब भी आप लोग सीएसपी को यहाँ पर लॉगिन करने जाते तो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने जो यहाँ पर वीडियो पर पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट जो प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर एजेंट आईडी डाल देते, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं एजेंट आईडी डाल रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आप लोग एजेंट आईडी डाल देते फ्रेंड्स, उसके बाद जो है जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन है आप अगर इसमें क्लिक कर देते फ्रेंड्स तो आपका जो यहाँ पर क्लिक नहीं होता है। तो अगर आपका यहाँ पर क्लिक नहीं होता है फ्रेंड्स तो आपको क्या करना होगा ये मैं बताने वाला हूँ। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर क्लिक हो जाता है, जैसे कि आप देखिए मेरा जो क्लिक हो चुका है और क्लिक होने के बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो मंत्रा वाला ऑप्शन है, मेरा पास जो मंत्रा डिवाइस है इसके लिए जो है मैंने मंत्रा सेलेक्ट कर चुका हूँ। अगर आपका पास जो मार्फो है तो आप लोग जो है मार्फो तो यूज कर लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका जो ओटीपी है वो सेंट नहीं होता है, यहाँ पर तो क्लिक हो जाता है लेकिन आपका मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी आ जाता है तो आपको यहाँ पर ओटीपी भर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब ओटीपी नहीं आते तो इसके लिए भी क्या करना होगा मैं ये भी बताऊंगा, भर देते। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स कोई कोई व्यूअर्स ने यहाँ पर मेरा वीडियो पर कमेंट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वेरीफाई वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, वेरीफाई वाला ऑप्शन भी नहीं आता है। तो इसका जो रीजन है फ्रेंड्स ये बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, ये आपको जब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग यहाँ पर हैरान हो जाओगे कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स मेरा पास जो ओटीपी है वो आ चुका है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ओटीपी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐड करूंगा। जैसे यहाँ पर ओटीपी ऐड करते फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो मेरा वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन है वो तो वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई कर देते तो मेन जो प्रॉब्लम ज्यादा से आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर टिक मार्क देखे यहाँ पर आप लोग तो जो आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देते, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आधार कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं आधार कार्ड नंबर भर चुका हूँ और उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिंगर स्क्रीनिंग का ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर जो कैप्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो मैं पहले यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो कैप्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए इस ऐसा वाला आपका सामने जो प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेम अगर आपका पास ऐसा वाला ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको चेक कर लेना है। अगर आपका डिवाइस पर जो है फुल यहाँ पर आप लोगों ने सर्विस आरडी सर्विस हो या कुछ भी सर्विस, अगर आप लोग यहाँ पर जो मार्फो होने से जो है फ्रेंड्स आपको आरडी सर्विस और मंत्रा होने से भी आपको आरडी सर्विस को इंस्टॉल कर लेना है और साथ में फ्रेंड्स एवीडीएम सर्विस को जो है उसको भी जो है आपको
डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका पास डाउनलोड बिल्कुल यहाँ पर कर चुका है पहले से, तो अब तब भी जो है आपका सामने ऐसा वाला इंटरफेस आता है, तो आपको क्या करना होगा इसके लिए जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो विंडोज वाला ऑप्शन है आपका लैपटॉप पर, तो उस पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सर्विस लिख के एंटर करना है। जैसे आप सर्विस लिखते हैं फ्रेंड्स, ऊपर देखिए यहाँ पर सर्विस आ चुका है, तो आपको सर्विस पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग मंत्रा यूज कर रहा है तो आपको यहाँ पर मंत्रा वाला ऑप्शन को ढूंढ लेना है, और अगर आप लोग मार्फो यूज कर रहा है तो आपको यहाँ पर मार्फो का जो आरडी सर्विस है उसको यहाँ पर चेक कर लेना है। इसके लिए जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो एम वाला ऑप्शन है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आ चुका है MFS 100। तो यहाँ पर मैं जो है MFS 100 डिवाइस को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जो मंत्रा मंत्रा का सर्विस है ये। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो क्लाइंट सर्विस का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपल से यहाँ पर रजिस्टर्ड कर देना है। और रजिस्टर्ड करने का बाद जो है फ्रेंड्स, आपका जो मंत्रा या मार्फो डिवाइस है वो यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करेगा। अगर इसमें से भी आपका जो वर्क नहीं करते, तो आपको जो है ऊपर साइड में जो मेरा यहाँ पर स्टॉप वाला ऑप्शन आ रहा है, आपका वहां पर स्टार्ट का ऑप्शन रहेगा, तो आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट कर देना होगा। और उसके बाद जो है स्टॉप वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका सामने। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर वर्क नहीं करते, तो आपको जो है यहाँ पर जो मंत्रा AVDM का ऑप्शन है, तो आपको इसमें भी सेम प्रॉब्लम सेम वर्क कर लेना है। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड का ऑप्शन है उसमें फर्स्ट टाइम आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टार्ट वाला ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर मेरा यहाँ पर जैसे देख रहा है आप लोग स्टॉप वाला ऑप्शन है, लेकिन आपका वहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप प्रॉपरली यहाँ पर कर देते, तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली यहाँ पर वर्क करेगा। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यह करना है कि आपको ये यहाँ पर क्लिक क्लोज कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कैप्चर ले लेना है। यहाँ पर देखिए वाइटिंग फॉर आरडी सर्विस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप सारा वर्क कर लेते, तो यहाँ पर आप लोग कैप्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक करें और नेक्स्ट आपका जो डिवाइस है उसमें स्क्रीनिंग हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग कर लेना है। स्क्रीनिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, राइट वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं पहले बता दूं कि फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जो मैंने बोला है कि आपका जो मोबाइल वाला ऑप्शन पर नहीं आते, मोबाइल पर जो है ओटीपी नहीं आते, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना फ्रेंड्स, तब जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है आपका जो बीसी है वो यहाँ पर प्रॉपरली लॉगिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीसी लॉगिंग हो चुका है। तो यहाँ पर अभी बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको जो है क्या करना होगा इसके लिए जो है फ्रेंड्स, आपको आपका जो सर्विस है, जो आप लोगों ने यहाँ पर सर्विस यूज कर रहा है, जो बीसी यूज कर रहा है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स उस टाइम में जो है आपका यहाँ पर कुछ भी टेक्निकल के इशू के लिए जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाता है, तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स आपको 2 से 3 घंटा तक वेट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है फिर आपका जो डिवाइस है, सॉरी फ्रेंड्स, आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसको जो है रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्टर्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है 2 से 3 घंटा तक यहाँ पर वेट कर लेना है, और उसके बाद जो है आपका जो बीसी है वो 100% लॉगिंग हो जाएगा। और मैंने जो यहाँ पर देखा रहा हूँ कि आपको जो है सबसे पहले आपका जो मंत्रा और मार्फो डिवाइस है उसको जो है आरडी सर्विस को यहाँ पर क्लाइंट सर्विस को यहाँ पर जो है आपको रजिस्टर्ड कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड करते फ्रेंड्स, ये दोनों अगर आप लोग कर देते, तो आपका यहाँ पर जो लॉगिंग है वो प्रॉपरली लॉगिंग हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में प्यारा सा कमेंट कर देना, और ऐसे वाला हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका मन में कोई भी डाउट है, आपका कोई कुछ भी टॉपिक पर अगर आपका कोई भी इशू है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकता है, उसका भी थ्रू एक वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड करेंगे। उस वीडियो जो है आप देख के आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो है नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कि अगर आपका पास अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स अगर यहाँ पर डीजीपे यूज करता है, तो डीजीपे में अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिंग करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तो आपको जो है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना है, तब जो है आप लोग उस वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।